अपने पहले ही दिन 140 करोड़ की कमाई करने वाली आदिपुरुष आज 400 करोड़ भी टच नहीं कर पा रही है। क्या है वो कारण जिसकी वजह से आदिपुरुष इतनी बुरी तरह से फेल हो गई? घटिया VFX। अब जैसे ही हमें पता चला था कि आदिपुरुष का बजट 600 करोड़ होने वाला है तो हमें लगा इसके VFX भी उतने ही लेवल के होंगे, लेकिन जब टीजर देखा तो पता चला ये तो बड़ी दुकान फीके पकवान है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट वजह थी इसकी फेल होने की। दूसरा, रॉन्ग कास्टिंग। अब हमें पता है प्रभास बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन वो हर कैरेक्टर के लिए फिट नहीं है ना, और वही चीज़ यहाँ पे हुई। श्रीराम के रोल में प्रभास बिल्कुल नहीं जच रहे हैं, सबसे बड़ी वजह ये भी। ऐसे ही सैफ अली खान ले लो, जो रावण के रोल में नहीं जच रहे, उनका लुक भी बड़ा ही मॉडर्न है, और आप हनुमान को देखोगे तो वो तो सुग्रीव लगते हैं। तीसरा है कैरेक्टर्स का लुक। मेकर्स के हिसाब से उन्होंने ऐसा लुक इसलिए रखा था कि वो यूथ से कनेक्ट कर पाए, और यूथ से कनेक्ट करने के चक्कर में वो तो रामायण से भी डिस्कनेक्ट हो। रावण को विराट कोहली कट दे दिया, मेघनाथ को एक रैपर बना दिया है, विभीषण कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगता है, पता नहीं क्या चलता है। शायद यही चीज़ यूथ को ही सबसे ज़्यादा पसंद नहीं आई। चौथा रीज़न है डायलॉग्स, जो कि सबसे वाहियात हैं इस फिल्म में। फिल्म आपकी रामायण पे बेस्ड है, लेकिन आपके डायलॉग्स किसी बी ग्रेड मूवीज़ के लगते हैं। और पाँचवा रीज़न है फैक्ट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन करना। रावण की लंका को काला दिखा दिया, रावण जब सीता माता को ले जाता है तो राम जी वहाँ नहीं होते, लेकिन इस फिल्म में होते हैं। जटायु जो रावण से लड़ते हैं वो एक्चुअली में गिद्ध थे, ना कि बाज। संजीवनी के बारे में राजवैद्य सुषेण बताते हैं, ना कि विभीषण की पत्नी। ऐसे ही कई सारे तथ्यों को उन्होंने गलत तरीके से दिखाया, जो कि पता नहीं इन्होंने इम्प्रोवाइज किया था या फिर सही से रिसर्च ही नहीं। जिस कहानी का पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है, बच्चे बच्चों को पता है, तो उसको क्यों छेड़ रहे हो आप? क्यों उसमें अदला बदली कर रहे हो? जैसा है वैसा दिखाओ, हर चीज़ में इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता है। ये रामायण है, कोई मार्वल कॉमिक बुक नहीं है। अब इन्होंने गलती मान के अपने डायलॉग्स भी कुछ चेंज कर लिए हैं, टिकट का प्राइस भी कम कर दिया है, लेकिन फिर भी 4-5 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा पा रही है ये एक दिन में, और जिससे बन जाती है 2023 की सबसे बड़ी डिजास्टर।